किससे पूछें बाबा कांशीराम के घर का पता। आइए आज आपको जिला कांगड़ा के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम के गांव लिए चलते हैं। कोई भी सरकार बाबा कांशीराम की यादें नहीं संजो पाई है। बाबा कांशीराम ने अपनी लेखनी को स्वतंत्रता संग्राम का बड़ा हथियार बना लिया था। उनकी इन्हीं पंक्तियों से पता चलता है कि वह कितने बड़े क्रांतिकारी रहे। अंग्रेज सरकार दा टिग्गा पर तिहाड़ा और निक्के निक्के माणुआ जो दुख बड़ा भारी। पहाड़ी में लिखी इन कविताओं को बाबा कांशीराम हर चौक चौराहे और जनसभा में गा गा कर पढ़ा करते थे। साहित्य से संग्राम का उदाहरण शायद बिरला ही मिलेगा। अंग्रेज सरकार के खिलाफ इस मुहिम के कारण बाबा कांशीराम 11 बार जेल गए। 11 जुलाई 1882 को डाडा सीवा के गुंडवाड़ गांव में जन्मे कांशीराम का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। 13 साल की उम्र में माँ बाप गुजर गए तो वह काम की तलाश में लाहौर पहुँचे। यहीं से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। लंबी दाढ़ी होने के कारण दोस्तों ने उनका नाम बाबा रख दिया। वर्ष 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू होशियारपुर की एक रैली में पहुँचे तो उन्होंने कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहकर पुकारा। महान स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ कहा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का गम बाबा ताजिंदगी भुला नहीं पाए और सदा के लिए काला लिबास ओढ़ लिया। 15 अक्टूबर 1943 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो जनमानस ने बाबा कांशीराम को स्याह पोश जनरल कहकर पुकारा। जिंदगी भर आज़ादी को लड़े इस योद्धा के गांव गुरनवाड़ में आज हालात ऐसे हैं कि लोगों को बाबा के घर का पता पूछना पड़ता है। उनके नाम पर आधी सदी बीत जाने पर भी कोई स्मारक या संग्रहालय नहीं बना। जिस घर में बाबा का बचपन बीता वह अब बर्बादी के कगार पर है। गुरनवाड़ के लोग चाहते हैं कि उनके गांव को आदर्श गांव घोषित किया जाए। शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने बाबा जी की याद में हर वर्ष उनके जन्म दिवस के ऊपर 11 जुलाई को हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि मनाने का निर्णय लिया, जो कि आज दिन तक चला हुआ है। सरकार कोई भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की, सभी मान सम्मान देते हैं और हर साल उनके 11 जुलाई को पुण्यतिथि मनाई जाती है। उपलब्धि के नाम पे एक डाटा सिब्बा में उनके नाम पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। बाबा कांशीराम जी का है, सरकार ने ऐसी इनके नाम पर क्या ऐसी उपलब्धियां यहाँ पे की हैं? इसमें कुछ नहीं किया सरकार ने। अब माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा सरकार से, अपने गाँव वासियों की तरफ से, अपनी तौर से, कि जयराम सरकार जी जो बाबा कांशीराम पहाड़ी गांधी जी हैं, उनके इस गांव को आदर्श गांव बनाया जाए और उनकी यादगार में इनके जहाँ से सड़क डाइवर्ट होती है इनके गाँव को बाई गेट बनाया जाए। परागपुर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई कहानी के साथ।